दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फंटेसी प्लेइंग 11 पर। आज हम बात करने जा रहे हैं NBL लीग में जो आज का पहला मुकाबला होने वाला है SK वर्सेस TJJ के बीच जो बास्केटबॉल मैच होने वाला है उस मैच के बारे में आपको बताएंगे कि किस प्लेयर का पिक करके चले, किसको ड्रॉप करके चले, कौन सा प्लेयर आपके लिए सोमो लेकर, कौन सा प्लेयर आपके लिए ग्रेड लेकर बेस्ट पिक है, कैप्टन वो इस कैप्टन के रूम में होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको इस मैच की ड्रीम टीम बनाकर दिखाएंगे और इस मैच के हर प्लेयर के स्टेट्स के बारे में बताएंगे। दोनों टीमों के आपको एक एक पॉइंट करके देने वाले। अगर आप किसी भी फंटेसी ऐप पर अपनी टीम बनाते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग पिक के बारे में। तो स्मॉल लीग में SK की तरफ से शेविर कुक अपनी टीम और जेलन एडम्स को अपनी टीम में SK की तरफ से स्मॉल लीग में जरूर लेकर चलिया। एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर शेविर कुक के बारे में बात करें, पावर फोर्ड के रूम में उन्होंने इस लीग में लगभग 911 के लगभग पॉइंट करोगे। जेल्स एडम्स के बारे में बात करें, पॉइंट गार्ड के रूम में 739 के लगभग पॉइंट करोगे। दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, इस लीग में बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी आपको देखने मिल जाएंगे। तो स्मॉल लीग में इनको आप अपनी टीम में जरूर लेकर चले, साथ ही साथ इनको आप अपनी टीम में एज ए कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूम में लेकर चले तो भी आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। TJJ के बारे में बात करें, जोस मैगेटो को अपनी टीम में और जोस एडम्स को अपनी टीम में TJJ की तरफ से स्मॉल लीग में लेकर चले। या मैगेटो के बारे में बात करें, जो पॉइंट गार्ड के रूम में उन्होंने 846 के लगभग पॉइंट करके, और जोस एडम्स के बारे में बात करें, जो स्मॉल फोर्ड के रूम में 740 के लगभग पॉइंट करके, एक अच्छा खासा आपके पास ऑप्शन देने मिल जाएगा। स्मॉल लीग में TJJ की तरफ से इनको जरूर लेकर चले, कैप्टन या वाइस कैप्टन रूम में भी बेस्ट पिक होने वाले, तो आप अपनी स्मॉल लीग टीम में या ग्रैंड लीग टीम में उनको कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में लेकर चल सकते हैं। ग्रैंड लीग पिक के बारे में बात करें, थॉमस वडोनिक को अपनी टीम में और सोन ब्रूस को अपनी टीम में SK की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में लेकर चलिए। स्मॉल लीग में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए, क्योंकि रिस्की प्लेयर है, रिस्की प्लेयर को हम अपनी स्मॉल लीग से दूर ही रखें तो ये हमारे लिए फायदा होने वाला है। स्मॉल लीग में कॉन्टेस्ट कम होने के कारण हमको टॉप से टॉप प्लेयर लेकर चलने पड़ते हैं, इसी कारण हम रिस्की प्लेयर को बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहेंगे। TJJ के बारे में बात करें, जेरेड विक्स को अपनी टीम में और फजियान को अपनी टीम में, फजियान का स्कॉलिक आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन होने वाला है। इन दोनों प्लेयर को आप अपनी टीम में सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में लेकर चलिएगा। स्मॉल लीग से इनको आप दूरी रखें तो ये आपके लिए फायदा होने वाला है। तो आगे की प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक के डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। अब हम बात करते हैं टॉपिक्स में। सबसे पहले SK की तरफ से जेलन एडम्स को अपनी टीम में पॉइंट गार्ड के रूम में लेकर चले, एंगस ग्लोवर को अपनी टीम में एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में, वसिल जैविक को अपनी टीम में एज ए स्मॉल फोर्ड के रूम में, शेविर कुक को एज ए पावर फोर्ड के रूम में, साथ ही साथ जेरल मैटिन को अपनी टीम में एज ए सेंटर के रूम में लेकर चले। कोई भी लोग वाला SK की तरफ से यह प्लेयर बहुत ही अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर है, आपके लिए ड्रीम टीम के लिए बेस्ट ऑप्शन है। TJJ के बारे में बात करें, जोस मैगेटो को अपनी टीम एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में, मैकडेनियल को अपनी टीम एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में, जोस एडम्स को एज ए स्मॉल फोर्ड के साथ साथ क्लिंट स्टैंडल को एज ए पावर फोर्ड के रूम में लेकर चले। कोई भी लोग वाला TJJ की तरफ से यह प्लेयर आपको बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में इस लीग में देखने मिल जाएंगे। 4 प्लेयर TJJ की तरफ से, 5 प्लेयर SK की तरफ से, यह प्लेयर एक अच्छा खासा ऑप्शन होने वाला है। प्लेयर को आप अपनी ड्रीम टीम में लेकर चले, कोई भी लॉस नहीं होना है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में बात करने से पहले हम आपको एक बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में विजयन का लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाकर आप अभी विजयन को डाउनलोड करें। विजयन को क्यों डाउनलोड करें, क्योंकि कम एंट्री फीस है, सबसे कम एंट्री फीस में सबसे ज़्यादा विनिंग प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपको विजयन पर देखने मिलेगा। हर गेम के आपको 5-5 मिनट एक्स्ट्रा डेडलाइन, यानी कि बाकी ऐप से 5 मिनट बाद विजयन पर गेम स्टार्ट होगा, यानी कि लाइन में पाने बाद आपके पास बहुत ही अच्छा खासा मौका बनता है अपनी फंटेसी बेस्ट से बेस्ट फंटेसी टीम तैयार करने का। तो अभी डाउनलोड करें लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर, और हमारा रेफर कोड यूज करके आपको एक अच्छा खासा बोनस मिलने वाला है। तो अब हम बात करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस में। सबसे पहले SK की तरफ से जेलन एडम्स ने एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में 719 के लिए पॉइंट करके 15 के लिए बकरा डिटेल है, 219 के लिए अभी तक इन्होंने लीग मैच प्ले करके। एंगस ग्लोवर के बारे में बात करें, शूटिंग गार्ड के रूम में 305 के लिए पॉइंट करके, सोन ब्रूस ने एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में 200 के लिए पॉइंट करके, वसिल जैविक ने एज ए स्मॉल फोर्ड के रूम में लगभग 500 के लिए पॉइंट करके, और वोडानविक ने एज ए स्मॉल फोर्ड के रूम में 186 के लिए पॉइंट करोगे। SK की तरफ से यह प्लेयर आपको बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में देखने में मिल जाए, तो इनमें से आप अपनी टीम में ड्रीम टीम में प्लेयर पिक करके चले, कोई भी लॉस नहीं होना। TJJ के बारे में बात करें, सबसे पहले जोस मैगेटो ने एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में 840 के लगभग पॉइंट करके, जेम मैकवेग ने एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में 610 के लगभग, मैकडेनियल ने एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में लगभग 400 के लगभग, जोस एडम्स ने एज ए स्मॉल फोर्ड के रूम में 750 के लगभग, और जेरेड विक्स ने एज ए स्मॉल फोर्ड के रूम में लगभग 183 के लगभग पॉइंट करके। TJJ की तरफ से यह प्लेयर आपको बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में देखने को मिल जाएंगे, तो इनमें से आप अपने ड्रीम टीम में प्लेयर पिक करके चले। पॉइंट लेवल देख सकते हैं, हर मैच में बिना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो आप अपने ड्रीम टीम में प्लेयर जरूर लेकर चले, आपको कोई भी लॉस नहीं है। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, दोनों टीमों में से 3-3 प्लेयर आपके पास
बेस्ट पिक कैप्टन वाइस कैप्टन के रूम होने वाले हैं। एसके की तरफ से ज्वेलन एडम्स के बारे में बात करें, पॉइंट गार्ड के रूम में एक अच्छा खासा ऑप्शन है, 15 के लगभग डिटेलर। स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन रूम जरूर लेकर चले हैं। एक्सेवियर कुक को आप अपनी टीम में पावर फॉरवर्ड के साथ साथ वाइस कैप्टन के रूम में जरूर लेकर चले। कैप्टन के रूम में बेस्ट पिक होने वाले 19 के लगभग डिटेलर। सबसे ज़्यादा आपके पास एक अच्छा खासा कैप्टन रूम में देखने मिल जाए। जेलन मार्टिन को भी आप अपनी टीम में ग्रैंड लीग में कैप्टन रूम में लेकर चले, कोई भी लॉस नहीं होना। टीजीजी के बारे में बात करें, जॉस मैकटी एज पॉइंट गार्ड के रूम में 18 किलो क्रेडिट डिटेलर। आपके पास एक अच्छा खासा कैप्टन रूम ऑप्शन है। समॉल एक ग्रैंड लीग दोनों टीम में कैप्टन रूम में मौका दे सकते हैं। सैम मैकडेनियल के बारे में बात करें, शूटिंग गार्ड के रूम में 13 किलो क्रेडिट डिटेलर। टीजीजी की तरफ से आप अपने ग्रैंड लीग टीम में कैप्टन रूम में बेस्ट भी करने वाले। जॉस एडम्स को भी आप अपनी टीम में वाइस कैप्टन रूम में लेकर चले, सब कैप्टन या वाइस कैप्टन रूम में दोनों टीम के लिए बेस्ट भी करने वाले। तो चाहे आप समॉल एक टीम ना है, चाहे ग्रैंड लीग टीम ना है, इन्हीं 6 प्लेयर में से आप अपने कैप्टन वाइस कैप्टन लेकर चलिए। इनके अलावा आपके पास और कोई अच्छा खासा पिक नहीं होने वाला है। इंजरी की कोई भी रिपोर्ट नहीं, सभी प्लेयर फिट है। स्क्वाड के बारे में बात करें, अगर हर एक प्लेयर का नाम बताने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को पॉज करके स्क्वाड की जरूर जरूर नजर मार लें, क्योंकि इन्हीं में से आपके प्लेइंग एट होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग एट के बारे में। तो हमने हमारी तरफ से दोनों टीमों में से 8-8 प्लेयर पिक किए, यानी कि हमारे हिसाब से आज के मैच में यह प्लेयर खेलने वाले हैं। बाकी हम आपको लाइन पाने बाद टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम बात करते हैं हमारी ड्रीम टीम के बारे में। तो आज आप अपने ड्रीम टीम में जोसन मैकटी को अपनी टीम में टीजेजे की तरफ से एज पॉइंट गार्ड के रूम में बेस्ट पिक होने वाले। क्लार्क को भी आप अपनी पहली ग्रैंड लीग टीम में इनको मौका दे सकते हैं। आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन पॉइंट गार्ड के रूम में देने में मिल जाएगा। शूटिंग गार्ड के बारे में बात करें, मैकवेग आपके पास टीजेजे की तरफ से बेस्ट पिक है शूटिंग गार्ड के रूम में। ग्लोवर को अपनी टीम में एसके की तरफ से एज ग्रैंड लीग में ग्लोवर को अपनी टीम में एज शूटिंग गार्ड के रूम में जरूर लेकर चल सकते हैं, आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। स्मॉल फोर्ड के बारे में बात करें, जोसन एडम्स को अपनी टीम में टीजेजे की तरफ से और वसील जैविक को अपनी टीम में एसके की तरफ से एज स्मॉल फोर्ड के रूम में बेस्ट पिक होने। फार फोर्ड में स्टैंडल को अपनी टीम में एज टीजेजे की तरफ से पार फोर्ड के रूम में एक अच्छा खासा पिक होने वाला। सेंटर के बारे में बात करें, जोसन मार्टिन आपके पास बेस्ट पिक है सेंटर रूम में, एसके की तरफ से देने मिल जाएगा, एक अच्छा खासा ऑप्शन आने वाले। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, मैकवेक को अपनी टीम में कैप्टन और जोसन एडम्स को अपनी टीम में वाइस कैप्टन के रूम में लेकर चले, कोई भी लॉस हो आपके पास एक अच्छा खासा पिक होने वाला है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक दें डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम से ऑफर सिर्फ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं। और आपने अभी तक वीजन डाउनलोड नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस करें। कम से कम पैसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सिर्फ और सिर्फ वीजन पर कमा सकते हैं। एंट्री फीस भी कम, कॉम्पिटिशन भी कम और विनिंग प्राइज बहुत ज़्यादा। अभी डाउनलोड करें लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर। हर गेम के आपको 5-5 मिनट एक्स्ट्रा डेडलाइन देखने मिल जाएगी और हमारा रेफर कोड यूज़ करके आपको एक अच्छा खासा बोनस मिलने वाला है। तो अभी डाउनलोड करें और अपनी फंटेसी टीम सिर्फ और सिर्फ विजय पर तैयार करें।